नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। रणजी के इतिहास में आज वो हुआ है जो अब तक कभी नहीं हो पाया था। गुजरात ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। आपको बता दें कि ये मुकाबला बेहद कड़ा था। मुंबई कई बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है और विशेषज्ञों का मानना था कि मुंबई इस बार भी प्रबल दावेदार है रणजी ट्रॉफी जीतने का, लेकिन इन सब के विरुद्ध गुजरात ने बड़ा पलटफेर किया और गुजरात ने ये रणजी ट्रॉफी जीत ली। चलिए आपको बताते हैं कि मुंबई की तरफ से और गुजरात की तरफ से किसने किया सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। सबसे पहले बात करते हैं शॉ की, जिन्होंने मुंबई की तरफ से खेलते हुए 71 रन की पारी खेली। इसके बाद सबसे ज्यादा 57 रन जो है वो यादव ने बनाए। इस तरह पहली इनिंग में मुंबई ने 228 रन बनाए थे। गुजरात ने इसका पीछा करते हुए 328 रन बनाए। यहां पर पार्थिव पटेल ने 90 रन की पारी खेली थी, वहीं जुनेजा ने 77 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। सेकेंड इनिंग में मुंबई ने 411 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात ने 313 रन बना दिए और गुजरात ने इस तरह से ये रणजी ट्रॉफी जीत ली। पार्थिव पटेल ने यहां पर भी 143 रन की पारी खेली, जिसके बाद पार्थिव पटेल को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। गौरतलब है कि ये गुजरात की पहली रणजी ट्रॉफी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।